हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है वेडनेसडे। हाँ, आज है वेडनेसडे और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। और मेरा सिंदूर थोड़ा टेढ़ा लग गया है। क्या होता है ना कि कमरे में जब मैं मेरा फेस पे भी आज काफ़ी स्वेलिंग है ना, पता नहीं क्यों स्वेलिंग है। तो क्या होता है ना कि जब मैं रेडी होती हूँ ना, तो फिर रूम में थोड़ा अंधेरा, लाइट कम होती है क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे होते हैं और मैं लाइट नहीं जलाती हूँ क्योंकि यार डिस्टर्ब क्यों करना है ना। तो इसके वजह से कभी कभी टेढ़ा सिंदूर लग जाता है, कभी काजल मोटा पतला हो जाता है। तो सुबह हो गई है और जो है मैंने काम स्टार्ट कर दिया है किचन में भी। एक सेकेंड, हाँ, किचन में मैंने बर्तन लगा दिए हैं, लोड कर दिए हैं डिश वॉशर में, और मैंने दाल चढ़ा दी है और चाय लेके आई हूँ। नाश्ता मैंने खड़े खड़े किया है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं बैठ के नाश्ता करूँ आराम से, और आज थोड़ा लेट भी हो गया। मैं 8 बजे सो, 8:15 बजे सो के उठी। एक्चुअली क्या हुआ ना, बहुत बार मेरी नींद खुली रात में, तो जो है 8:15 बजे सो के उठी। फिर मैं थोड़ी देर सोचा थोड़ी देर और सो लेते, थोड़ी देर और सोते सोते वो थोड़ी देर करते करते 8 कब बज गए, पता भी नहीं चला। तो उसके बाद जो है मैंने कपड़े, आज सुबह से मैंने बहुत सारे काम कर लिए ना, आज मैंने कपड़े लगाए वॉशिंग मशीन में, फिर नहाने गई। नहाने के बाद सुबह उठी, पहले फ्रेश हुई, फिर एक्सरसाइज किया, फिर ब्रश किया, फिर कपड़े लगाए वॉशिंग मशीन में। उसके बाद नहाने गई, नहा के आई तो डिश वॉशर में बर्तन लगाए, इसके बाद दाल चढ़ाई, दूध गर्म किया, और क्या किया, चाय बनाई, डोसा बनाया जो कि मैं खड़े खड़े खाया, बैठने का टाइम ही नहीं था मेरे पास। लॉग इन भी किया साथ साथ में, अब मैं जा रही हूँ काम करने। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए। और पता है क्या हुआ कल, कल मैं बताती हूँ क्या हुआ। कल मैं बनाने वाली थी मशरूम, मटर मशरूम, बट मेरे माइंड में ना ऐसे क्लिक किया एकदम से कि अगर खाना ऑर्डर हो तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि कल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाता, जो भी मैं सोच लेती हूँ ना वो उनको पता चल जाता और वो कर देते, पता नहीं कैसे यार। तो उन्होंने ना खाना फिर ऑर्डर कर दिया। तो फिर मैं प्याज लहसुन वगैरह सब छील के रखी थी, फिर मैंने सबको फ्रिज में डाल दिया। मैंने कहा अब ग्रेवी मैं कल ही बनाऊंगी, जब मैं बनाऊंगी एक्चुअल में मटर मशरूम। तो हमने कल डिनर में खाया था चिकन बिरयानी, बोनलेस चिकन बिरयानी थी। ओह गॉड, पता नहीं मेरा हाथ भी दर्द कर रहा है। तो बोनलेस चिकन बिरयानी थी ये, हमने खाई थी। तो थोड़ा सा डर लगता है बाहर से खाना मंगाने में, बट अगर हम उसको गर्म कर लेते ना तो उतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसके चलते मंगा लिया। और मेरे नेल पेंट देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। कल मैंने ना शाम को बहुत सारा डुएट बनाया, बहुत सारी चीज़ें की, और रूम खुला हुआ है और इसकी वजह से मैं बात कर रही हूँ तो आई एम श्योर जा रही होगी आवाज़ काफ़ी। तो चलिए मैं थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। और The next day.
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। आज मुझे बहुत लेट हो गया, मैं लेट से सो के भी उठी। कल मुझे इतनी टायर्डनेस लग रही थी कि मैंने व्लॉग भी नहीं किया कंटिन्यू, और जो मैंने आपके साथ सुबह बात की थी उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं किया, और इवन मैंने डिनर भी नहीं बनाया। तो बहुत नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इवन अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। बट कोई नहीं, तो उठना तो पड़ेगा ही। तो आज मैंने सोचा था मैं ऑफ ले लूँगी, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, करना तो पड़ेगा काम, तो इसलिए मैं ऑफ नहीं ली हूँ। और जस्ट अ मिनट, ओके। तो मैंने ऑफ नहीं लिया है, तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ी बातें कर ली जाए, क्योंकि ऐसे तो हो नहीं पा रही है आपसे कुछ भी। मतलब तो मेरे ब्लॉग बहुत ही ऐसे वैसे जा रहे हैं आजकल, तो बस ऐसे ही जा रहा है। तो मैंने आज बनाया है सैंडविच, मुझे बहुत मन था ब्रेड ऑमलेट खा। देखो मैं भी अभी मैं नहीं दूँ सैंडविच बोल रही हूँ, मेरा बहुत मन था ब्रेड ऑमलेट खाने का। तो बहुत दिन से, 2-3 दिन से मन कर रहा था एग खाने का एक्चुअली। तो आज मैंने ऑमलेट बनाया है, आधा बना के रख दिया अपने हस्बैंड के लिए और आधा मैंने खुद ले लिया है, क्योंकि जो है फिर ये होता है ना, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए टाइम दो फिर, है ना। तो इसलिए मैं जो बनाती हूँ अपने लिए वह अपने हस्बैंड के लिए बना के रख देती हूँ, और जब वो खाते हैं तो उस टाइम पे प्रॉपर एक सर्व कर देती हूँ अच्छे से गर्म गर्म करके। तो अभी मैंने ऑमलेट बना दिया है, ब्रेड सेक दूंगी और ऑमलेट को गर्म कर दूंगी, या दैट्स इट। और जूस पियेंगे तो जूस बना दूंगी, इसके बाद बस इतना ही होता है। ब्रेकफास्ट हम बहुत हल्का करते हैं गाइस, क्योंकि पता है गर्मी बहुत हो रही है, और गर्मी के दिनों में, और मैंने दाल चढ़ाई है 1 सेकेंड, मैं ना साथ साथ में खाना भी चढ़ाई देती हूँ। आपको थोड़ा अंधेरा लगेगा, मैं गैस सिम कर देती हूँ। हाँ, तो क्या होता है ना कि फिर खाने में बहुत लेट हो जाता है, और आजकल ऐसा हो रहा है ना कि मैं चाहती हूँ मैं सुबह उठ के पहले खाना बना लूँ अच्छे से, उसके बाद मैं करूँ कुछ काम ऑफिस का, जिससे कि मुझे टेंशन ना रहे कि अरे खाना बनाना है, अरे ये करना है। बट पता नहीं यार, नींद इतनी आ रही ना कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है आपसे मिलती हूँ, और फिर और बातें करती हूँ। ये देखिए कितना सन्नाटा है हमारी तरफ आज, एक दो गाड़ी जा रही है, अदरवाइज सब ऐसे ही, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। लोग ऑफिस जा रहे हैं ये देखिए, लेकिन एक दो लोग दिख रहे हैं, बाकी कोई नहीं दिख रहा है, और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। ये देखिए, और आपको मैं लेक दिखाऊं यहाँ से, आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑटो जा रही थी येलो कलर की, उसके आगे लेक पड़ता है। कोई भी नहीं है इधर, है ना, और मैं आपको लेक दिखा सकती हूँ, छत पे जाके प्रॉपर दिखा दूंगी आपको लेक। यहाँ से लेक दिखती है, और बहुत सारी घास उग गई है लेक के ऊपर, और हमें लगता है ये लॉकडाउन के चलते कोई सफाई नहीं हो पाई है। तो काफ़ी सन्नाटा है यहाँ पे हमारी तरफ, और अभी कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई कर्फ्यू नहीं है, फिर भी सन्नाटा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पता नहीं क्यों शो कर रहा है बाबा स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि जो है अगर हम ऐसे ही समझते रहेंगे, ऐसे ही हम घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे ज़्यादा, तो कोरोना कम फैलेगा। और अभी जब से लॉकडाउन लगा है महाराष्ट्र में, तब से कोरोना के केसेस में कमी आई है। लेकिन अब एक बात बताओ आप लोग, तो क्या इसका मतलब लॉकडाउन ही लगाएंगे तभी कोरोना केसेस में कमी आएगी? हमको खुद से समझना पड़ेगा कि हमें लॉकडाउन नहीं, बिना लॉकडाउन के, जैसे कि हमारे हैदराबाद में ना, बिना लॉकडाउन के लोग इतना घूम नहीं रहे हैं, अपना घर में ही है, अपना काम होता है तो आते जाते हैं, ऑफिस आते जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसे ही आप सबको, सब हर सिटी में अगर ऐसे ही लोग रहे ना, तो कोरोना बहुत हद तक चला जाएगा। और आपको मैं बताऊँ, अभी तक हैदराबाद में डे लॉकडाउन नहीं लगाया है, डे कर्फ्यू नहीं लगाया है, तो सब लोग ऑफिस जा रहे हैं, अपना जिनका ऑफिस है वो लोग ऑफिस जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब ऐसे घूम रहे हैं किसी बिना किसी रीज़न के, जैसे कि होता है नॉर्मली लोग इधर उधर आते जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सब कोशिश करेंगे तो कोरोना को हम हरा सकते हैं। बट बात यह है कि लोग समझते नहीं हैं, जिसके चलते हमारी गवर्नमेंट को कोरोना लॉकडाउन लगाना पड़ता है, कर्फ्यू, और जो है हम बहुत सारा नुकसान होता है यार लॉकडाउन में, बहुत सारा नुकसान होता है, बिजनेस का नुकसान होता है, लोग की जॉब का नुकसान होता है,
बहुत सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है, बहुत सारा नुकसान होता है। तो अगर हम इस तरीके से समझदारी से रहे और हमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत ना पड़े कोरोना की वजह से, तो कितना अच्छा रहेगा। और ये मेरा माउस क्यों नहीं चल रहा है, यही मैं कब से देख रही हूँ। एक सेकेंड, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है? नहीं, लैपटॉप तो नहीं हैंग हुआ है, बट अब चल रहा है। पता नहीं क्या हो गया था, सो जाता है क्या रह रहे के? हाँ ठीक है। तो मैं कह रही थी ऐसी। और गाइस पता है क्या, अगर हम चाहे तो कोरोना को हरा सकते हैं, बस डिपेंड करता है हम सबके ऊपर। वैक्सीन भी लग जाएगी, उसके बाद भी लोगों को हो जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद लोग एकदम लापरवाह हो जा रहे हैं, बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल भी हैंड सैनिटाइजर, मास्क, ये सब का ख्याल नहीं रख रहे हैं। बट अगर हम चाहें तो इस तरीके से हम कोरोना को हरा सकते हैं कि हम जो है घरों में रहें, बाहर ज़्यादा नहीं निकले, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क लगाए, सैनिटाइजर लगाए, और ये हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में अगर शामिल कर लें तो कोरोना को हम बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। एंड बाय द वे, हमारा जो मेरी जो आईब्रो है ना, वो बहुत बढ़ गई है। मैं इसी कोरोना के डर से बाहर नहीं जा रही हूँ कि आईब्रो बनवाने जाऊँगी तो मतलब डर लग रहा है यार कि आईब्रो बनवाने जाऊँगी तो ये कोरोना ना ले हो साथ में। और मेरा बर्थडे आ रहा है मई में आ रहा है, बट मैं अपना ना तो मैं अपनी आईब्रो बनवा पा रही हूँ, ना तो मैं अपना हेयर कट करा पा रही हूँ। मैंने बीच में कोरोना कम हुआ था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे में जाके ना हेयर कट कराऊंगी, बट हम मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। लास्ट ईयर भी मेरा बर्थडे ऐसे चला गया था, और ये ईयर भी मेरा बर्थडे ऐसे चला जाएगा। लास्ट ईयर भी मैं हेयर कट कराने वाली थी, नहीं करा पाई थी, इस ईयर भी मैं हेयर कट नहीं करा पाई। अब जैसे ही कोरोना खत्म होगा, थोड़ा बहुत मैं जाके फटाक से हेयर कट कराऊंगी, नहीं तो मेरे बालों की ना जो हालत है, ये देखिए झाड़ू हो गए झाड़ू। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।